दोस्तों, अगर आपका कोई सामान यहाँ पर कस्टम में फंस जाए तो फिलहाल आपको क्या क्या करवाना है, आइए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहली बात, अगर आपका सामान यहाँ पर 1 लाख रुपए से ऊपर है विद शिपिंग, तो आप ध्यान रखें कि आपका सामान यहाँ पर आप कार्गो मोड पर जाएगा, ना कि वो आपके यहाँ पर नॉर्मली लैंड होगा। तो कार्गो मोड में शिपमेंट को क्लियर करवाना एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पैकेज मोड में वो काफ़ी कठिन है। तो यहाँ पर इस चीज़ का पहला ध्यान रखें। लेट्स सपोज आपका सामान यहाँ पर लैंड कर गया, तो लैंड करने के बाद वो सामान आपका यहाँ पर सबसे पहले कस्टम ऑफिसर के पास जाता है, मतलब कि कस्टम हाउस जाता है, और वहाँ पर उस सामान का यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर दोस्तों आपको या तो खुद जाके उस कस्टम ऑफिसर से या कस्टम डिपार्टमेंट से बात करनी होती है, या फिर आपको यहाँ पर किसी ब्रोकर का हेल्प लेनी होती है। तो यहाँ पर लाइसेंस ब्रोकर हैं जो कि यहाँ पर आपकी हेल्प करेंगे। बट अगर आपका सामान छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ऐसे केस में आप यहाँ पर कंपनी, जिस कंपनी के थ्रू आपने सामान को इंपोर्ट करवाया था, जैसे कि आपने यहाँ पर फीडेक्स से, DHL से, आरामिक से इंपोर्ट करवाया था, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि उनके भी अपने कस्टम ब्रोकर्स हैं जो कि लाइसेंस ब्रोकर्स हैं, वो भी आपके यहाँ पर हेल्प कर देंगे। तो फिलहाल आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका यहाँ पर IEC कोड। IEC कोड क्या होता है? IEC कोड दोस्तों कोड है इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस कोड। अगर ये आपके पास है, ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर आपको इसके अगेंस्ट पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। अगर नहीं करते हो, अगर नहीं डिक्लेरेशन देते कि मेरे पास IEC कोड नहीं है, आप मेरे को जो भी पेनल्टी दोगे मैं उसको पे कर दूंगा, अगर ऐसे डिक्लेरेशन नहीं देते हो, तो ऐसे केस में आपके पास एक ऑर्डर आ जाएगा कोर्ट की तरफ से, तो यहाँ पर आपको उसको डिफेंड करना होगा। तो फिलहाल इससे बचने के लिए यही है कि बेटर अगर आपके पास IEC कोड नहीं है तो इम्पोर्ट ना करवाएं। बेटर है कि किसी ऐसे पर्सन के थ्रू मंगवाएं जिसके पास अपना IEC कोड है। बिगर IEC कोड के यहाँ पर दोस्तों निकालने में आपको फाइन पेनल्टी देनी पड़ती है, जो कि आपकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो जाती है एज कम्पेयर टू यहाँ पर कस्टम ड्यूटीज़। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें। अब दूसरी जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो इंपॉर्टेंट था वो होता है AD कोड, ऑथराइज डीलर कोड। ऑथराइज डीलर कोड कहाँ से मिलता है? ये बैंक के थ्रू मिलता है, जिस बैंक में आपका अकाउंट है। तो फिलहाल आप वहाँ पर जाए, वो आपको यहाँ पर AD कोड दे देगा। वंस यू गेट IEC कोड और AD कोड, ठीक है, अगर मिल गए तो ठीक है, नहीं मिल गए तो आपको यहाँ पर दोस्तों पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, उसके लिए आप यहाँ पर तैयार रखें। लेट्स सपोज ये चीज़ें आपने यहाँ पर मुहैया करवा दी है। अब डिपेंड करता है कि आपने क्या गुड इंपोर्ट किया, उस गुड के लिए यहाँ पर इंडियन रेगुलेशन क्या है। जैसे कि आपने यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगवा रखा है, तो उसके लिए यहाँ पर कंपलसरी है कि आपको यहाँ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का सर्टिफिकेट क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों एक तरह से एक सैंपल यूनिट आती है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के लेबोरेटरीज के अंदर, उसको चेक करते हैं और सर्टिफिकेट देते हैं कि हाँ ये इंडियन मानकों के हिसाब से ठीक प्रोडक्ट है और ये इंडिया में चल सकता है। तो ये सर्टिफिकेट या तो आप खुद ले सकते हो अगर आप यहाँ पर रेगुलर उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करवा रहे हो, इसके लिए आपको यहाँ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के जो हाउस है उसमें जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा प्रोडक्ट के बारे में। अगर आपके पास उसका कोई सैंपल यूनिट है तो उसको आपको देना पड़ेगा, वो आपके लिए यहाँ पर BIS सर्टिफिकेट बना कर दे देंगे। खर्चा आता है इसमें, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास नहीं है और आपके किसी कॉलीग ने या किसी इंडिया में किसी ने उस प्रोडक्ट को यहां पर इंपोर्ट करवा रखा है, तो आप उसका एक जेरोक्स कॉपी ले जाइए, उससे भी काम चल जाएगा। तो ये पता चल जाएगा आपको यहाँ पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के हाउसेस हैं, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। आप जाइए, विजिट कीजिए, देखिए कि किसने ये प्रोडक्ट पहले से इंपोर्ट करवा रखा है, नहीं करवा रखा है। अगर करवा रखा है तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसकी जेरोक्स कॉपी से आप यहाँ पर काम चला सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों आपका सामान नहीं निकल सकता, ये चीज़ आप ध्यान रखें, क्योंकि अभी रेगुलेशन आपकी काफ़ी सख्त हो चुकी हैं। हाँ, अगर आपके पास बैक सोर्सिंग है, मतलब आप किसी को जानते हो, तो निकलवा सकते हो, नहीं तो इनडायरेक्टली मैं कहूँगा करके कि ये नहीं निकल सकता है। तो BIS सर्टिफिकेट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है और इसके बिना यहाँ पर निकालना भी मुश्किल है। अब नेक्स्ट दोस्तों, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके बाद आपको अपनी ID देनी होती है, एक ऑथराइजेशन लेटर देना होता है, जो कि आप यहाँ पर किसी ब्रोकर को हायर कर रहे हो तो उस ब्रोकर के नाम का आपको ऑथराइजेशन लेटर देना होता है, और उसके बाद किस कैटेगरी का वो प्रोडक्ट है तो फिलहाल उसके हिसाब से यहाँ पर वो बिल ऑफ एंट्री करता है। दोस्तों ध्यान रखें, अगर एक बार प्रोडक्ट की बिल ऑफ एंट्री होगी तो उसके बाद या तो सामान आपको मिलेगा या फिर दोस्तों वो आपको यहाँ पर कस्टम सीज होगा। अगर बिल ऑफ एंट्री नहीं हो रखी है तो आप अपने सामान को वापस भिजवा सकते हो, इसके लिए आपको यहाँ पर कस्टम ऑफिसर या कस्टम जो भी आपका है DC, उसको आपको यहाँ पर लेटर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर सेम लेटर आएगा सेलर की तरफ से जिसने ये सामान भेजा है। बाकी एक जो कार्गो है जिससे आपने सामान मंगवाया, जैसे कि फीडेक्स, DHL या RMX, वो भी अपना एक लेटर लगा के देगा, तो ताकि सामान वापस चला जाए। नहीं, अगर आप नहीं कर रहे हो, बिल ऑफ एंट्री करवा दे रहे हो, तो ऐसे केस में बस आपके पास एक ही ऑप्शन है, या तो सामान को निकालें
नहीं निकालोगे तो आपका सामान यहाँ पर सीज हो जाएगा और 3 महीने के बाद वो ऑडिट हो जाएगा, मतलब ऑक्शन में चला जाएगा। तो ऐसे केस में दोस्तों आपके लिए मुसीबत बढ़ सकती है, तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर ध्यान रखें कि बिल ऑफ एंट्री तभी करवाएं जब आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन हो कि आपका प्रोडक्ट निकल जाए या फिर जो ब्रोकर जिससे आप बात कर रहे हो वो आपके सामान को यहाँ पर निकाल दे। अब दोस्तों बिल ऑफ एंट्री हो चुकी है, अब बिल ऑफ एंट्री को लेके किस दिन की बिल ऑफ एंट्री हुई है और बिल ऑफ एंट्री नंबर क्या है और किस एरिया में आपने बिल ऑफ एंट्री की है उसको आप यहाँ पर लेके ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हो। इनकी अपनी आईसी गेट साइट है, उस पर इसको सर्च कर सकते हो कि करंट प्रोग्रेस क्या है और इवन दोस्तों उसके बाद आप यहाँ पर आपका जो ब्रोकर होगा वो यहाँ पर किसी डीसी के पास उस फाइल को लेके जाएगा। अब डीसी क्या करेगा दोस्तों, उस फाइल को सर्च देखेगा, चेक करेगा और उसके हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन होगा उसका तो क्वेश्चन पूछेगा तो आपके ब्रोकर उसके क्वेश्चन का आंसर देगा। अगर कोई सब कुछ सेटिस्फाइड है तो यहाँ पर एग्जैक्टली कितनी ड्यूटीज़ बनती हैं वो आपका यहाँ पर डीसी कैलकुलेट करेगा। साथ में अगर कोई फाइन पेनल्टी है, जैसे कि आपने आपका यहाँ पर आईईसी कोड नहीं है, इस टाइप के अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसका कितनी फाइन पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी तो उसके हिसाब से आपका यहाँ पर डीसी उसके हिसाब से यहाँ पर आपको अमाउंट बताएगा। वंस यू गेट आपकी कितनी ड्यूटीज़ बन रही हैं और कितनी फाइन पेनल्टी बन रही है दोस्तों, आपको यहाँ पर आपका ब्रोकर बता देगा कि आपकी इतनी फाइन पेनल्टी बन चुकी है और इसको आप यहाँ पर ऑनलाइन पे कर दें। तो फिलहाल उसके लिए यहाँ पर दोस्तों पहले चालान जनरेट होता है, तो चालान जनरेट करने के लिए वो जैसे ही आपका डीसी यहाँ पर अप्रूवल दे देता है उसका चालान जनरेट किया जाता है और उस चालान के थ्रू आप यहाँ पर अपनी ड्यूटीज़ को ऑनलाइन पे कर सकते हो। हालांकि ये काम आपका ब्रोकर भी कर सकता है, पर ब्रोकर भी आपका यहाँ पर ऑनलाइन गेटवे के थ्रू ही पेमेंट करेगा, तो बेटर है कि आप खुद करते हैं। उसके बाद जैसे आपका चालान पेड हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर बताया जाएगा कि आपकी जो ड्यूटीज़ हैं वो पेड हो चुकी हैं, अब क्या होगा आपका जो लोकेशन यहाँ पर जनरेट होगी कि आपका सामान एग्जैक्टली वेयर हाउस में या जो भी शेड है उनकी उसमें कहाँ पड़ा हुआ है, तो ऐसे लोकेशन जैसे जनरेट हो जाएगी। उसके बाद एक वीसी और यहाँ पर जनरेट होगा और उस वीसी के थ्रू अब डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपके डीसी ने क्या लिखा हुआ है कि उस सामान को एग्जामिन किया जाए। अगर आपका सामान लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो उसको अगर एग्जामिन करना हो तो फिलहाल वहाँ पर वो लिख देगा और उसके बाद वीसी जनरेट होती है, वो एग्जामिनर उस सामान को जिसमें कस्टम इंस्पेक्टर होता है वो सामान को यहाँ पर एग्जामिन करेगा, देखेगा कि जो सामान लिखा गया है वही सामान इसके अंदर है या नहीं है। तो फिलहाल उसके बाद ये सामान आपका यहाँ पर रिलीज़ होगा और वो आप अब यहाँ पर अपने कस्टम ब्रोकर से जो आपने यहाँ पर हायर कर रखा है या खुद कर रहे हो तो फिलहाल यहाँ पर आप उसको ले सकते हो। तो ये है दोस्तों पूरा प्रोसेस। अगर यहाँ पर आपने किसी कंपनी के थ्रू, जैसे कि आपने यहाँ पर किसी कार्गो के थ्रू या फिर फीडेक्स DHL RMS के थ्रू मंगवा रखा है तो यहाँ पर अगर आप इस प्रोसेस को खुद करना चाहते हो या अपने ब्रोकर के थ्रू करवाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर पहले फीडेक्स से या DHL से यहाँ पर DO लेना होगा, डिलीवरी ऑर्डर। उसी के बाद ये प्रोसेस आपकी सारी स्टार्ट होगी, उसमें आपको यहाँ पर बहुत सारे मैनिफेस्ट बिल्स मिलते हैं, बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, उसको यहाँ पर लेकर आप पूरी फाइल सबमिट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि फीडेक्स DHL या जो भी आपका एयर कार्गो है वो आपको यहाँ पर इस सामान को छुड़वाए तो ऐसे केस में आपको अपना एक ऑथोराइजेशन लेटर लिख के देना होता है इन कंपनीज़ को और वो अपने यहाँ पर कस्टम ब्रोकर के थ्रू आपके सामान को छुड़वाने की कोशिश करते हैं। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आप सभी का डाउट यहाँ पर क्लियर होगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपको यहाँ पर कितनी ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती है, तो इसके लिए आपके लिए मैं एक साइट बता देता हूँ, ड्यूटी कैलकुलेटर, उसमें जाइए अपना जो भी डिटेल है उसको डालिए, उसके बाद वो आपको यहाँ पर ड्यूटी कैलकुलेट करके देगा। तो फिलहाल मुझे लगता है कि आप सभी के डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे, क्योंकि यहाँ पर कई लोग ये सोचते हैं कि मुझे यहाँ पर एक लैपटॉप इंपोर्ट करवा रहा हूँ, 1 लाख 1.25 लाख का लैपटॉप है, इस पर मुझे करीबन यहाँ पर 24,000-25,000 रुपये ड्यूटी देनी पड़ेगी, क्योंकि ड्यूटी कैलकुलेटर ने ही कैलकुलेट किया। बट एग्जैक्टली जब आप इसको देखते हो तो आपकी ड्यूटी यहाँ पर 40-45,000 से ऊपर हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपके एंड से मिस था तो यहाँ पर आपको फाइन पेनल्टी लगी। तो फिलहाल ऐसे केस में दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखें, इंपोर्ट करवाने से पहले चेक कर लें कि इंडियन रेगुलेशन क्या है उसके ऊपर। तो दोस्तों मैंने बता दिया कि यहाँ पर टोटल प्रोसेस क्या होती है, जो लोग यहाँ पर इस प्रोसेस को जानते थे तो वो तो ठीक है, जो लोग नहीं जानते थे गलती से उन्होंने यहाँ पर कोई सामान मंगवा दिया है जैसे कि मैंने मंगवाया था, पूरा प्रोसेस मैंने देखा है। हालांकि मेरे सामान की क्या बात हो रही है क्या नहीं हो रहा है मैं आपको अपनी आगे वाली वीडियो में बता दूंगा, बट एग्जैक्टली ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आपको यहाँ पर फॉलो करना पड़ता है। कस्टम हाउस यहाँ पर आपका मंडे टू फ्राइडे ओपन रहता है, हॉलीडेज में बंद रहेगा। आपका यहाँ पर जो शेड है जहाँ से आपका सामान आपका रखा गया वो आपका यहाँ पर सैटरडे को खुलता है, बट सेकंड सैटरडे वो ऑफ होता है। तो फिलहाल इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, उस हिसाब से अपना यहाँ पर प्लानिंग करें। बाकी कुरियर कंपनी जिससे आपने सामान को मंगा रखा है वो आपका यहाँ पर 24/7 आवर्स खुली रहती है, आप कभी भी जाकर यहाँ पर DO ले सकते हो। तो दोस्तों ये रहा मेरी तरफ से एक छोटा सा इंट्रो, ताकि आप लोग जान पाएं अगर आपका सामान यहाँ पर कस्टम में फंस जाए तो आपको क्या करना चाहिए। बस इतना है, अगर सामान आपका 1 लाख रुपये से ऊपर का है तो यहाँ पर निकालना बहुत मुश्किल होता है। अगर यहाँ पर आपका सामान 1 लाख रुपये से नीचे, मतलब शिपिंग को इंक्लूड करने के बाद, तो उस केस में यहाँ पर सामान को निकालना आसान होता है। यहाँ पर 1 लाख रुपये कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट की वैल्यू है प्लस शिपिंग प्लस 20%। आप इसको भी ध्यान रखें, मतलब कि आपने प्रोडक्ट यहाँ पर 50,000 रुपये का मंगाया,
उसमें आपने 10,000 रुपये शिपिंग दी, मतलब 60 हो गया, 60 का 20% कितना हो गया, उसको आप यहाँ पर ऐड कर लें, टोटल मिलाकर देखें, अगर वो आपका 1 लाख से ऊपर बन रहा है तो ऐसे केस में आपको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दोस्तों देख लीजिए, अगर आपका कोई सामान यहाँ पर फंसता है, एक बार आपको क्या करना है क्या नहीं करना है मैंने आपको समझा दिया है। बाकी आपको यहाँ पर फील्ड पर जाके ही देखना होगा कि आपके एरिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बाकी मैंने जो अपने यहाँ एक्सपीरियंस किया मैंने आपको बता दिया। बाकी एक पूरा को पूरा यहाँ पर दोस्तों मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मैंने इस सामान को मंगवाया और कैसे मुझे यहाँ पर परेशानी झेलनी पड़ी और एग्जैक्टली कितने दिनों के बाद ये सामान मुझे डिलीवर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, और बाकी सामान में अगर मैंने खोल कर देखा तो सामान ठीक था कि नहीं ठीक था, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपनी आगे वाली वीडियो में बताऊँगा। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।